नमस्कार। इस समय यूक्रेन पे एक संकट छाया हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री बनारस में प्रचार कर रहे हैं। देश के अखबारों को ऐसा लगता है कि यूक्रेन के जो नागरिक हैं, जो वहाँ से कहीं भाग के जा नहीं सकते, हालांकि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो वहीं रहेंगे, उनके ऊपर जो संकट है उससे ज़्यादा चिंता उन भारतीय छात्रों की है जो लाखों रुपए फीस दे के वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने गए हैं। और वो छात्र बेचारे यूक्रेन से भाग के अगल बगल के देशों में जा रहे हैं, जहाँ से भारत की हवाई जहाज कंपनियों के जहाज उनको ढो ढो के भारत ला रहे हैं। लेकिन छात्रों के बयानों से पता लग रहा है कि भारतीय दूतावास उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, उनके जो टोल फ्री नंबर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, सीमा पे जैसे बताया गया कि रोमानिया की सीमा पे जब वो पहुंचते हैं तो उस पार से कोई मदद उनको नहीं मिलती है कि उनको जल्दी सीमा पार करा दी जाए। जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं अन्य पड़ोसी देशों के, वो तो ज़रूर मदद कर रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डे तक पहुँचने के पहले कोई मदद नहीं है। और जहाज़ों की ज़रूर व्यवस्था की गई है भारत सरकार द्वारा, लेकिन छात्र अपने आप को वहाँ पे असहाय पा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में जबकि बर्फ़ गिर रही है, वो पैदल चल के किसी तरह से सीमा पे पहुंच के वहाँ उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय को बनारस के चुनाव की चिंता ज़्यादा है, होनी भी चाहिए, क्योंकि वर्तमान विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता जा रही है। तो नरेंद्र मोदी ने आखिरी के 3 दिन बनारस में बिताने का फैसला किया है, बनारस की सड़कों पर घूम रहे हैं, ऐसा खबर मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी को मजबूर किया है कि वो बनारस की गलियों की खाक छाने, क्योंकि उनको एक शाप मिला हुआ है। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद यानी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 2018 में 112 दिनों के अनशन के बाद हरिद्वार के मातृ सदन में उनका निधन हो गया। निधन तो एम्स में हुआ, लेकिन मरने के एक दिन पहले तक वह स्वस्थ मातृ सदन आश्रम में थे। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने 4 चिट्ठियां लिखी थी नरेंद्र मोदी को, 2 अनशन शुरू करने के पहले, 2 अनशन के दौरान, लेकिन एक का भी जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। आखिरी की 2 चिट्ठियों में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए लिखा है कि यदि गंगा को बचाने के लिए अनशन करते हुए मेरी जान चली जाती है तो मैं अपनी हत्या का दोषी आपको मानूंगा, और जब स्वर्ग में जाऊंगा तो राम जी के दरबार में उनसे प्रार्थना करूंगा कि आपको सजा दें। तो मोदी, जिन्होंने गंगा का सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी राजनीति के लिए, गंगा आज भी साफ नहीं हो पाई है, सीवर का पानी शहरों का अभी भी गिर रहा है गंगा में, उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक, और नमामि गंगे परियोजना के नाम पे 23,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट बना के सिर्फ गंगा के नाम पे कमाई का काम हुआ है, जिसको हमारे मित्र राजेंद्र सिंह जी जल पुरुष कहते हैं कि माई से कमाई हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रिवर फ्रंट जिसका नदी सफाई से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह के निर्माण के काम हुए हैं। जो काम नगर पालिकाओं को करना चाहिए था वो काम नमामि गंगे के पैसे से हुआ है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल तो कहते थे कि कोई भी सीवर नदी में गिरना ही नहीं चाहिए, गंदा तो नहीं गिरना चाहिए, साफ करने के बाद भी नहीं उसे डाला जाना चाहिए,
उस पानी का उपयोग कहीं और होना चाहिए। और वो गंगा पे बड़े बांधों के खिलाफ थे, क्योंकि उनका कहना था कि गंगा में जो अपने आप को साफ करने की क्षमता है दूसरी नदियों के मुकाबले ज़्यादा, वो बैक्टीरियोफाज नाम के एक वायरस की वजह से है जो मनुष्य के शौच से निकले बैक्टीरिया ई कोलाई को ख़त्म कर देता है। और ये जो वायरस है ये बालू के कण के साथ बहता है। अगर आप बांध बना के उस बालू के कण को रोक लेंगे तो ये वायरस भी रुक जाएगा, ये नदी में बहेगा नहीं, और फिर गंगा को अपने को साफ करने की क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक भी काम बांध का रोका नहीं है, उल्टे जिन बांधों के काम रुके हुए थे उनको फिर से चालू कराने का काम किया है। IIT कंसोर्शियम की रिपोर्ट कहती है कि औसत गंगा में 50% का प्रवाह बना रहना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि गंगा साफ रहे। लेकिन GD अग्रवाल जी के मरने से एक घंटा पहले उन्हें उस समय के जल संसाधन मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में गंगा संरक्षण का नाम नरेंद्र मोदी ने जोड़ा था अपनी पहली सरकार में, हालांकि दूसरी सरकार में उसको हटा दिया और उस मंत्रालय का नाम जल शक्ति हो गया। यानी कि उन्होंने साफ साफ संकेत दिया, चाहे जितने GD अग्रवाल मर जाए अनशन करते हुए, वो जल से शक्ति ही उत्पन्न करेंगे, यानी कि बांध बनाएंगे। तो उनके मरने के पहले सिर्फ 30% प्रवाह का वायदा किया था नितिन गडकरी ने, वो भी नहीं हो रहा है। बांध की कंपनियां तय कर रही हैं कि गंगा में कितना पानी बहेगा। आप सोचिए, गंगा जिसको इस देश के लोग पवित्र मानते हैं, उसके पानी को पवित्र मानते हैं, वो कितना पानी नदी में बहेगा ये अब प्रकृति नहीं तय कर रही है, ये बांध बनाने वाली कंपनियां तय कर रही हैं। तो नदी से या माई से कमाई की जो नीति है नरेंद्र मोदी सरकार की, उसका खामियाजा तो नरेंद्र मोदी को भुगतना ही पड़ेगा, और प्रोफेसर GD अग्रवाल का दिया हुआ शाप तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी बनारस में रहने को मजबूर हैं और वहाँ की गलियों की खाक छान रहे हैं। धन्यवाद।